एमएन ने फैजुल्ला कमोका की ग्रुप लीडर शहाद अली, सदर प्रेस क्लब जीए तनवीर, सेक्रेटरी साजिद खान और दीगर से प्रेस क्लब में मुलाकात। इस मौके पर सहाफी कलोनी समेत दीगर अमूर जेरे बहस लाए गए। एमएन ने फैजुल्ला कमोका का कहना था कि सहाफी कलोनी के लिए जगह का इंतखाब हो चुका है, चांद एक तकनीकी वजूहत आड़े आ रही हैं। ताहम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वादा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकूमत में ही फैसलाबाद के सहाफियों के लिए सहाफी कलोनी का क्याम होगा। जी हल हो नहीं सकता, इंशाल्लाह ताला ये हल है मसला। आपकी जो जगह है वो रिज़र्व है, उसमें जो थोड़ी बहुत कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स या टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको आपकी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं सहाफ़ी बरादरी के, शाहिद अली साहब हैं, जी तनवीर साहब हैं, बाकी आपकी कैबिनेट जितनी भी है उनके साथ बैठ के आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, हो सकता है कि हमारे मिलने से पहले ही जो समरी है वो यहाँ से मूव हो जाए सीएम ऑफिस की तरफ। तो सीएम साहब का वादा है यहाँ पे सहाफ़ी बरादरी के साथ और ज़मीन आपकी मौजूद है, ज़मीन आपकी कहीं नहीं जा रही और मुझे पता है सहाफ़ी जाने भी नहीं देंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल 100% नज़र आ रहा है जी, और इंशाल्लाह ताला ये तहरीक इंसाफ का तोहफा होगा फैसलाबाद की सहाफ़ी बरादरी के लिए। एमएन ने फैजुल्ला कमोका ने यकीन दहानी करवाई कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मीटिंग तय है जिसमें फैसलाबाद के सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ी कलोनी का क़याम एजेंडे का हिस्सा है और बहुत जल्द फैसलाबाद की सहाफ़ी बरादरी को सहाफ़ी कलोनी की सूरत में खुशखबरी मिलेगी। इस मौके पर फैजुल्ला कमोका ने फैसलाबाद प्रेस क्लब का विजिट भी किया। कैमरामैन जुबैर गुम्मन के साथ अब्दुल सबूर, M99 न्यूज़ फैसलाबाद।